हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉसो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने दो खुशखबरी दे दी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलता है, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं। तो यहां पर पहला लेटेस्ट अपडेट रेलवे रिफंड को लेकर के और दूसरा लेटेस्ट अपडेट तीन नई और ट्रेनों के बारे में। दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट आपको कुछ नई जानकारी देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अपडेट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट रिफंड को लेकर के, भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान का कैंसिल हुई ट्रेन के टिकट रिफंड को लेकर के एक बड़ा कदम उठा लिया है। सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों के रिफंड को लेकर के यात्रियों की बड़ी राहत दी है। एक अधिकारी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी गाड़ी रद्द की गई थी उसके टिकट का रिफंड अब यात्री अगले 6 महीने तक काउंटर से ले सकते हैं। रेलवे ने टिकट रिफंड वापस लेने के लिए समय सीमा 30 जून तक निर्धारित की थी, लेकिन अब दोस्तों उसको 6 महीना पूरी तरह से कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि लगातार रेलवे स्टेशन पर रिफंड लेने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। टिकट का पैसा वापस लेने के लिए भीड़ इकट्ठा होने से कोरोना वायरस के खिलाफ भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन नहीं हो पा रहा था और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा था। इसलिए भारतीय रेलवे की तरफ से टिकट कैंसिलेशन रिफंड को लेकर के ये बदलाव किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की। अब दूसरा लेटेस्ट अपडेट तीन नई और ट्रेनों के बारे में निकल कर आ रहा है। इंदौर के यात्रियों की मांग को देखते हुए यहाँ से कई ट्रेन शुरू किए जाने के प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। इंदौर के रास्ते रतलाम उज्जैन होते हुए कई ट्रेन चलाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे के 6 मंडलों ने तैयारी का प्रस्ताव पश्चिम रेलवे को भेजा है। इंदौर पुणे, इंदौर हावड़ा, इंदौर गांधीनगर, मऊ कामाख्या ट्रेन को चलाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। रेल मंडल प्रबंधक विपिन गुप्ता के अनुसार इंदौर के यात्रियों की मांग को देखते हुए यहां से कई ट्रेनें शुरू किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस ट्रेनों के वरिष्ठ कार्यालय की मंजूरी मिलने का इंतजार है। यहां पर आपको बता दूं, संभावना है कि इन्हें मंजूरी मिल जाएगी, हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दोस्तों, यहां से 3 ट्रेनें और चलाई जा सकती हैं और रूटों के लिए भी कुछ लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आएंगे वो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये अपडेट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।